दुनिया के बरक्स बरतानिया ने निजकारी को क्यों मुस्तरद कर दिया? पाकिस्तान में इदारों की निजकारी कब और क्यों शुरू हुई? इदारों की निजकारी क्यों जरूरी? सुहेल बड़ाइच का कॉलम। आज का दौर निजकारी का दौर है। बिजनेस की सरकारी मिल्कियत के तस्वर को अब फरसूदा तस्वर किया जाता है। पाकिस्तान में भी कौमी आएगा इदारों की तेजी से निजकारी की जा रही है। सीनियर साफी सुहेल बड़ाइच ने निजकारी के इस अहम इशू को अपने कॉलम का हिस्सा बनाया है। वो लिखते हैं कि दुनिया भर में इस फैशन के बरक्स बरतानिया में नई बरसर इक्तदार लेबर पार्टी ने ऐलान कर रखा है कि वो प्राइवेटाइज की गई ट्रेनों को दोबारा से कौमियाने यानी री नेशनलाइज का इरादा रखती है। सुहेल बड़ाइच के बकौल बरतानिया में इस वक्त ट्रांसपोर्ट के किराए सारे यूरोप की निस्बत ज्यादा है। लेबर पार्टी के मायदीन से इस हवाले से मामला समझने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि रेल नेटवर्क यानी पटरी और उसकी तामीर और मरम्मत तो हुकूमत के पास है, लेकिन ट्रेनें निजी शोभा चला रहा है। उनके बकौल निजी शोभा धड़ाधड़ पैसा कमा रहा है मगर नई सरमायाकारी नहीं कर रहा। आपस में मुसाबकत के बजाय अंदरखाने मुआमलत कर ली जाती है, इसीलिए लेबर पार्टी कुछ ट्रेनें कौमी आएगी ताकि प्राइवेट शोभे मनमानी ना कर सकें। कॉलम निकाल लिखते हैं कि सरमायदाराना निज़ाम बहुत सी खूबियों से मालामाल है, दुनिया में इसे कामयाबी भी बहुत मिली है, मगर इसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी खराबियाँ भी मौजूद हैं, जिनमें से एक बरतानिया में ट्रेन के महंगे तरीन किरायों की शक्ल में जाहिर हुई है और वहाँ की नई हुकूमत को निजकारी को मुस्तरद करके सरकारी मिल्कियत की तरफ आना पड़ रहा है, क्योंकि रियासत का बुनियादी मकसद तो अवामी फलाह होता है, चाहे वो निजकारी से हो या सरकारी मिल्कियत से। सुहेल बड़ाइच मजीद लिखते हैं कि 60 और 70 की दहाई में दुनिया भर में सनतों को कौमी आने का रुझान रहा। पाकिस्तान में भी बड़ी सनतें, बैंक और कई तजारती इदारे कौमी आए गए, जिसमें प्राइवेट बिजनेस को शदीद नुकसान हुआ। कौमियाए गए इदारे भी तबाह हो गए। उभरती हुई अशराफिया और नई तश्कील शुदा मिडिल क्लास टूट फूट कर रह गई, मगर दूसरी तरफ सरकारी मिल्कियत में आने से चीनी और आटे का रेट कंट्रोल हो गया, चीज़ों की कमियाबी पर काबू पाया गया, सरमायादारों और कारखानादारों की लूट खसूट और इस्तेहसाल का खात्मा हुआ। तहां मजमू तौर पर सरकारी मिल्कियत का फैसला मईशत के लिए नुकसानदेह साबित हुआ। चुनाचे 80 की दहाई के बाद से निजकारी शुरू हो गई और अभी तक जारी सारी है। किसी भी मुल्क की तरक्की में निजी शोभा ही अहम तरीन किरदार अदा करता है। तहम निजी शोभे के ऊपर सरकारी कंट्रोल और तवाजुन ना रखा जाए तो नाजायज़ मुनाफाखोरी और इस्तेहसाल शुरू हो जाता है। इसकी ताज़ा तरीन मिसाल शुगर मिल ओनर्स के दबाव पर चीनी की बरामद का फैसला है। पंजाब के सेक्रेटरी खुराक और केन कमिश्नर ने इस फैसले की मुखालफत की और मौके पर इख्तियार किया कि यह बरामद की गई तो चीनी की कीमत में रोजाना की बुनियाद पर इजाफा होगा। मिल ओनर्स को अरबों का फायदा होगा और आवाम पर नाजायज़ बोझ बढ़ेगा, मगर निजी शोभा इतना मजबूत है कि न सिर्फ इसने बरामद के हक में फैसला करवा लिया बल्कि सूबाई सेक्रेटरी खुराक और केन कमिश्नर पंजाब को सच बोलने की पादाश में अफसरान बकार खास बना दिया गया। तहरीक इंसाफ के जमाने की हुकूमत में भी शुगर स्कैंडल सामने आया था, फिर इंक्वायरियां हुई तो और बहुत कुछ भी सामने आया था। अभी अगर कोई बहरान आया तो हुकूमत को इसका सियासी नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा। बदकिस्मती से शुगर मिल्स ओनर की यही अजारादारी भारत के सूबा महाराष्ट्र में भी है। अमेरिका का शुगर माफिया भी बहुत मशहूर है, इस पर तो कई हॉलीवुड फिल्में भी बन चुकी हैं। सुहेल बड़ाइच लिखते हैं कि पाकिस्तान में सीमेंट इंडस्ट्री की निजकारी की गई, उससे रियासत बोझ से आज़ाद हुई, सनत ने भी तरक्की की, जदीद मशीनरी लगी, सीमेंट एक्सपोर्ट भी हुआ, मगर इसमें भी मिलों ने मिली भगत से अजारादारी कायम कर ली। आपस में मिलकर पैदावार कम कर देते हैं, मुसाबकत का माहौल नहीं, मिली भगत चल रही है, जब चाहते हैं सीमेंट का रेट मन मर्जी से बढ़ा देते हैं। हुकूमत का मुसाबकती कमीशन और कंट्रोल करने वाले इदारे सीमेंट कार्टल की निस्बत बहुत ही कमज़ोर हैं, आवाम के मफाद का कोई ख्याल नहीं रखा जाता। अमेरिका के अंदर कार्टल बनाने और अजारादारी कायम करने के बारे में कवानीन 1920 की दहाई में ही बन गए थे, मगर पाकिस्तान में इसका मौसर तदारुक नहीं है। इस तरह बैंक निजी तहवील में देने से हुकूमत का दर्द सर तो ख़त्म हुआ, लेकिन इस वक्त बैंक मुल्क में सबसे ज़्यादा मुनाफा कमा रहे हैं, ना आवाम को कर्ज़ा दे रहे हैं ना कोई और सहूलत। अक्सर बैंक मालिकान बैरून मुल्क मुकीम हैं, उनका मुनाफा उन्हें बाहर बैठे ही मौसूल हो जाता है, वो ज़रा बराबर रिस्क नहीं लेते, ना उन्हें मुल्क में कारोबार के बढ़ने की कोई फिक्र है। हुकूमत को महंगी शरह सूद पर कर्जा देते हैं और अय्याशी करते हैं। क्या स्टेट बैंक का फर्ज नहीं कि बैंकों को आम कारोबारी की फलाह के लिए मजबूर करे? इसी तरह हमने मुनाफा बख्श इदारा टेलीकॉम खलीज की एक कंपनी को फरोख्त कर दिया। अब सूरत हाल ये है कि इस कंपनी ने इस शोबे में नए सिरे से नई सरमायाकारी ही नहीं की। एक ज़माने में हम इस शोबे में दुनिया के जदीद तरीन ममालिक के हम बल्ला थे, अब इंटरनेट वगैरह में बहुत पीछे चले गए हैं। निजी इदारे मुनाफा कमाने में दिलचस्पी तो रखते हैं, लेकिन ये नई टेक्नोलॉजी लाते हैं ना ही सरमायाकारी करते हैं, और यूं वो शोभा जवाल की तरफ जाना शुरू हो जाता है। आजकल हम कौमी फिजाई कंपनी PIA और पाकिस्तान स्टील मिल की निजकारी के बारे में बहुत मुतहरिक हैं,
हमें माजी के तजर्बों को मद्देनजर रखकर फैसले करने चाहिए। किसी नई इजाराधारी या कार्टल को जन्म नहीं देना चाहिए और सार्फिन के मफाद को मुकदम रखना चाहिए। सुहेल वड़ाइज के बकौल ये दुरुस्त है कि हुकूमत का काम खुद बिजनेस करना नहीं, लेकिन हुकूमत का काम इजारादार मुनाफाखोर कारोबारियों को फ्री हैंड देना भी नहीं है। निजी शोबे की आज़ादी और मुनाफे के ऊपर अवामी मफादात के तहफ़ुज़ का कंट्रोल लाजिम है। सरमायादारी निज़ाम और मार्केट इकोनॉमी को दुनिया में सोशलिज्म और कम्युनिज्म के मुकाबले में फतह हासिल हो चुकी है, मगर अभी दुनिया का बेहतरीन निज़ाम स्कैंडिनेविया का ही तस्वुर होता है, जिसको सोशल डेमोक्रेसी का नाम दिया जाता है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपने मंशूर में इसी निज़ाम को शामिल किया था। हमें भी निजकारी करते हुए ऐसी शराइत रखनी चाहिए जिनसे एक तो इन शोबों में नई सरमायाकारी आए और दूसरे नाजायज़ मुनाफाखोरी ना हो। सुहेल वड़ाइज ने कॉलम के इख्तिताम में लिखा है कि मेरे इल्म में आया है कि यूरोप की कई एयरलाइंस अपने छोटे हवाई जहाज पाकिस्तान में चलाने में दिलचस्पी ले रही हैं। उनकी हौसला अफजाई होनी चाहिए और PIA को भी इस कंपनी को देना चाहिए जो नए जहाज खरीदे, अपनी सर्विस का मयार बैनल अकवामी करे और किराए भी ना बढ़ाए। पीपल्स पार्टी ने निजी और सरकारी शोबे की शराकत से सड़कों की तामीर और नई सरमायाकारी का जो मंसूबा बनाया है उसको पूरे मुल्क में राइज होना चाहिए।